हेलो गाइस, वेलकम टू लवनी ब्लॉग। सब आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मेरी पार्ट फोर वेडिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हल्दी का सेकंड पार्ट है वीडियो का। और क्या कहते हैं, इस पिछले में तो हल्दी लगी थी मेरे को और मड़वा गड़ाया था। और इस वाले वीडियो में देखिए कि ये उड़द की दाल का बरी होता है, वो गोल 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 पारते हैं और सारी लेडीज मिल के पारते हैं और एक दूसरे को गाल में लगा के मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरे भी गाल में लगा रही है। और उसके बाद फिर जाके कौबत का भात होता है, जो लोग बिहार से होंगे और आजकल शायद हर जगह ही होता होगा अपने अपने तरीके से कौबत का भात, जिसमें क्या कहते हैं दही चावल चीनी फुआ खिलाती है। और उससे पहले लावा भूजने का रसम होता है, जो कि पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, तिलक में जो लड़के के घर से धान आता है और हल्दी आता है, और जो लड़की के घर से धान और हल्दी जाता है वही क्या कहते हैं दोनों जगह भुजाता है। तो उसकी क्या कहते हैं उसका नियम होता है कि उसमें वो लड़का या लड़की की बुआ ही वो लावा भूजती है। तो यहाँ पे मेरी बुआ लावा भूजती है। पहले तो मेरे को फिर से हल्दी लगाया गया और फिर से वो सारी औरतें मिलके मेरे को चुमा रही हैं। उसके बाद फिर जाके लावा भुजाएगा। लावा भुजा के क्या कहते हैं फुआ को, आप लोग थाली में देखे कितने सारे पैसे पड़े, फुआ तो माला माल हो गई मेरी। और हम बिहार में क्या कहते हैं बुआ को फुआ बोलते हैं, तो इसलिए कभी कभी मेरे मुँह से बुआ निकल जाता है, कभी कभी मेरे मुँह से फुआ निकल जाता है। और ये देखिए मेरी जुल्फे नीचे गिर रही है, मेरा पूरा मुँह उतरा हुआ है क्योंकि आज आखिरी दिन है और कल जाके फिर मेरा शादी हो जाएगा। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे मेरे। और यहाँ पे देखिए फुआ को मम्मी बाल पहना रही है और अभी फुआ मेरे से लावा भिजवाई, मेरे हाथ से डलवाती है 5 बार आंख बंद करके, उसके बाद फिर सारा खून डाल के लावा भूजती है। और उसके बाद लावा भूजने के बाद फिर मेरे को कौबत का भात खिलाया जाएगा। उसमें मेरे साथ मेरी 5 बहनें बैठेंगी, कज़न बहनें, एक प्रीति है, बाकी सारी कज़न्स बैठेंगी। और पांचों को पहले मेरे को 5 बार खिलाया जाएगा, उसके बाद फिर जाके सब के सब एक साथ खाएंगे, क्योंकि शादी वाले दिन फास्टिंग होती है तो कुछ खाते नहीं है, तो एक दोपहर में बस वही दही चावल जो रसम होता है वो बनता है, उस पर खाते हैं। तो आगे देखिए आप वीडियो को और एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे और हमारी शादी की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए वेट करिए।